फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी श्री हमें परेशान करने के लिए हर जगह जाती है। श्री, क्या कर रहे हो आप? डांस कर रहे हो या एप्पल ईट कर रहे हो? ये देखो, इसने पूरा एप्पल ले लिया है और एप्पल में एप्पल का जूस पीने वाली है। इसको ऐसा लगता है कि मैं इसका जूस पी लूं। जूस नहीं होता ये एप्पल होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज देखती हूँ कि मेरी दही कैसे जमी होगी। अगर आज मेरी दही अच्छी से जम गई होगी, वैसे तो मेरी नॉर्मल दही अच्छी जम जाती है, बहुत ही गाढ़ी जमती है, अच्छी जमती है। पर अगर अच्छी नहीं जमी होगी तो मैं नहीं बनाऊंगी। अगर अच्छी बन गई होगी, जम गई होगी, तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज थोड़ी सी मिर्च प्याज छौंक लेती हूँ, क्योंकि मेरा सब्जी खाने का आज मन नहीं हो रहा, क्योंकि सब्जी में मेरे को स्वाद नहीं आ रहा है। तो उसके बाद अगर जमती है तो फिर आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च प्याज की सब्जी और रोटी और चाय के साथ। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी दही कैसी जमी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी दही कितनी अच्छे से जम गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। जमी हुई गाढ़ी गाढ़ी सी दही है, जैसे मार्केट में मिलती है दही, बिल्कुल सेम इसी तरह से जमी है मेरी दही भी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं है US में जो दही जमाते हैं उसमें ना हमें एक्स्ट्रा जामन लगाना पड़ता है। इंडिया में के थोड़े से जामन से काफ़ी सारा दूध जम जाता है, पर यहाँ पर जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे से स्टार्टिंग में जमा नहीं था, तो फिर मैंने उसमें एक्स्ट्रा जामन लगाया तो बहुत अच्छे से जमने लगी है। और देखिए कितना एकदम गाढ़ी गाढ़ी छाया जैसे गाँव में होती है, जिस तरह से छाया बहुत अच्छी लगती है मिर्च प्याज के साथ। हमारी श्री दही और चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन है, वो चाय तो बहुत अच्छे से पीती है। ये मेरी मिर्च प्याज बनकर तैयार हो गई है, मैंने खाना बना लिया है। और श्री के लिए मैंने बनाया है आलू का पराठा, लावे में आलू का पराठा लेके गई थी, तो मैंने इसे भोग भी लगा दिया है और श्री अच्छे से खुश होकर खा लेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं और श्री खाना खा लेते हैं, हमारा खाना हो गया है रेडी। ये देखो श्री कहाँ पर बैठी है हमारी। श्री, क्या कर रहे हो आप? हेलो करा रहे हो? आपको फ़ोन तो इधर रखा हुआ है। हंगरी हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो फिर? आप फूड खिला रहे हो? ये देखो इसके पास कुछ है, अरे इसको देखो, इसे इसके माउथ में रख के कह रही है फूड खिला रही हूँ मैं। ये आजकल इसका फेवरेट टॉय हो रखा है, इसको छोड़ती नहीं है मिनी माउस को। ये देखो, दिखा दो मम्मा को कैसा होता है। ये देखो श्री का, अरे ये श्री का होता है फोन। ये देखो टेबल पर चढ़ के बैठी हुई है। हाँ, मिनी का फूड है, ओके मिनी का फोन है, मम्मा का नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज मूंगफली वाली नमकीन, जो बाजार में मिलती है वो थोड़ी स्पाइसी सी होती है, तो बच्चे क्या कम खाते हैं, तो मैं आज बना रही हूँ घर पे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो कुछ को तो मैं ऐसे प्लेन भून लिया है और उसमें से मसाले मिक्स कर लूँगी, और एक को मैं बनाती हूँ बेसन वाले डिप करके बनाऊंगी। तो इनको क्या बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं और थोड़ा हेल्दी भी रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें गरम गरम में ही मसाले मिक्स कर लेती हूँ। जो मसाले मिक्स करेंगे गरम गरम में तो थोड़े से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें जो हम रेगुलर मसाले खाते हैं मैंने वो ऐड कर लिए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला अलग से इसमें डाला है, क्योंकि उसका फ्लेवर जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इनको आप ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं और किसी में नमकीन में मिक्स करके भी खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही करारी बनी है। तो मैं अब इधर बना रही हूँ बेसन वाली, तो ये भी बहुत अच्छी रहती हैं। जो बाज़ार में आती हूँ बहुत मसाले वाली होती हैं, तो बच्चे उन्हें खा नहीं पाते, तो मैं इस तरह से घर पर बना लेती हूँ। तो ये मैंने मूँगफली ले ली है। तो फ्रेंड्स, बेसन की जो हमें कंसिस्टेंसी रखनी है वो इस तरह से रखनी है कि जो मूँगफली की जो लेयर है उस पर हल्की सी चिपके, ज़्यादा गाढ़ी ना हो, ज़्यादा ना पतली हो। तो आपने देखी कि मैंने किस तरह से एक एक करके डाल रही हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। We'll be right back.
देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन का कलर हो गया है, तो मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। और इनको एक बड़े बर्तन में करने के बाद इनमें भी मैं गरम गरम ही इनमें मसाले ऐड कर लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से एक प्लेट में ले ली है, और ये देखिए कितनी अच्छी सी लेयर है, मूंगफली भी दिख रही है और हल्की हल्की इन पर बेसन की लेयर भी दिख रही है। और आप इनको डायरेक्ट भी खा सकते हैं, क्योंकि मसाले मैंने इसमें बेसन में भी ऐड कर लिए थे, और मैं फिर भी थोड़े से मसाले इसमें ऊपर से ऐड कर लेती हूँ। जो जो मसाले हम खाते हैं वो मसाले आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें गरम मसाला और चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा ऐड कर लिए हैं। तो इनको आप काफ़ी टाइम तक रख के खा सकते हैं, या भेल पूरी बना रहे हो या किसी भी नमकीन में आप इनको ऐड कर सकते हो। बच्चे बहुत अच्छे से खुश होकर खा लेते हैं, तो लावाशी को तो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इनको बनाती रहती हूँ बीच बीच में। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छे से बनी है, मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बस इस तरह की नमकीन जो हमने बनाई है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें बेसन की जो लेयर रखनी है बस वो हमें हल्की रखनी है, क्योंकि ज़्यादा मोटी रखेंगे तो वो इतनी क्रिस्पी नहीं बनेंगी, और खाने में जैसे बाजार का टेस्ट होता है वो इस तरह से नहीं बन पाएंगी। तो मैंने बहुत इसकी हल्की सी लेयर रखी है, मूंगफली भी दिख रही है और इसमें बेसन की हल्की सी लेयर भी दिख रही है, तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई करना इस तरह से मूंगफली वाली नमकीन बनाने की। अब दोपहर का टाइम भी हो गया है, तो मैं साथ में बना लेती हूँ चाय, और चाय के साथ फिर खाएंगे गर्मा गर्म जो मैंने अभी नमकीन बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।